मंगलुरु। मंगलुरु दुबई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट, जिसे सोमवार को मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी, तकनीकी खराबी के कारण आखिरकार आज मंगलवार दोपहर को उड़ान भरी। हवाई अड्डे के सूत्रों ने कहा, फ्लाइट को सोमवार शाम को दुबई के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी। इस तरह फ्लाइट में सवार कुल 161 यात्री पूरी रात एयरपोर्ट पर ही रुके रहे और काफी परेशान रहे। मैसूरु। जिला ती नरसीपुर में पिछले रविवार को हुई युवा ब्रिगेड संगठन के आयोजक वेणुगोपाल नायक 31 वर्ष की हत्या मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवा ब्रिगेड कार्यकर्ता वेणुगोपाल नायक की हत्या के मामले में पुलिस ने मणिकांत, संदेश, अनिल, शंकर, मंजू और हैरिस को गिरफ्तार किया है। सभी स्थानीय हैं। पुलिस ने बताया कि हत्या आपसी दुश्मनी की पृष्ठभूमि में हुई है। पुलिस ने बताया कि बाकी लोगों की तलाश के लिए एक टीम गठित की गई है। बेंगलुरु। बेलगाम में जैन मुनि की हत्या और मैसूर के ती नरसीपुर में यूथ ब्रिगेड कार्यकर्ता की हत्या के मामले में बीजेपी ने सच्चाई तलाशने वाली टीम का गठन किया है। पार्टी ने कहा कि ये कमेटी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील और सीटी रवि के नेतृत्व में काम करेगी और घटनाओं की सच्चाई का पता लगाने का काम करेगी। कतील के नेतृत्व में जहां 11 सदस्य काम करेंगे, वहीं सीटी रवि के नेतृत्व में 10 सदस्य होंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक किसान संघ द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए मानव पशु संघर्ष को रोकने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। इनमें मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वोले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की खंडपीठ ने मानव बस्तियों में अतिक्रमण करने वाले जंगली जानवरों की शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक तालुक में एक शिकायत कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने गाइडलाइन में जंगली जानवरों की आवाजाही के लिए हाथी कॉरिडोर स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। मंगलुरु। पिछले महीने चिक्कमगलुरु के मुदिग्रे में बटवाल के गांजा तस्कर सवाद की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बंटवाल के दाऊद अमीर और अफरीदी, अब्दुल रहीस और मोहम्मद इरशाद के रूप में की गई है। चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और पुलिस हिरासत में सौंप दिया गया। भाजपा सांसदों ने सोमवार को बेलगावी में दिगंबर जैन साधु की नरसंहार हत्या की सीबीआई जांच की मांग की और कांग्रेस सरकार पर मामले में तथ्यों को छिपाने की कोशिश करने का संदेह जताया। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायकों ने आचार्य श्री काम कुमार नंदी महाराज की हत्या का मामला उठाया। पुलिस ने 2 लोगों नारायण बसप्पा माडी और हसन दिलायत को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हत्या पैसे के मामले में हुई, जिसे भाजपा विधायकों ने पुलिस का भ्रामक दावा बताया। बोम्मई ने आरोप लगाया कि नई सरकार के तहत कानून व्यवस्था की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। उन्होंने कलबुर्गी में रेत माफिया द्वारा एक हेड कांस्टेबल की हत्या, ती नरसीपुर में एक हिंदू कार्यकर्ता की कथित हत्या और कलबुर्गी में एक कांस्टेबल द्वारा आत्महत्या के प्रयास की खबर का उदाहरण दिया। बेंगलुरु। सरकार ने सांख्यिकीय जानकारी दी है कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर हादसों में अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है और 335 लोग घायल हुए हैं। आज मंगलवार को सदन में राजाजीनगर विधायक सुरेश कुमार के सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि बेंगलुरु मैसूर हाईवे का निर्माण नहीं हुआ है। दशपथ का निर्माण कई त्रुटियों के साथ किया गया था। सड़क पर मोड़, गति सीमा कम करने के लिए कोई संकेतक नहीं है। उन्होंने कहा कि वाहन तेज चलाने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। बेंगलुरु। इंटरनेशनल डिजाइन कंसल्टेंसी AECOM इंडिया के इंजीनियरों ने राजधानी बेंगलुरु में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सुरंग सड़क परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उप मुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री डीके शिवकुमार के साथ बैठक की। चरण 1 के तहत सुरंग सड़क उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के तहत यालाका को सेंट्रल सिल्क बोर्ड और मेखरी सकल को पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के आरपुरम से छावनी के तहत छावनी से जोड़ेगी। 50 किमी सड़कों पर 450 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगभग 22,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि स्कूली शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने पर चर्चा कर उचित निर्णय लिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के मंजुनाथ भंडारी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षकों के ड्रेस कोड के लिए कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड अच्छा होगा तो सभी से चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।